नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नाजमिन खान आपके साथ। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सरन सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। सेक्सुअल हरासमेंट का केस उनके खिलाफ दर्ज है और दिल्ली राउस जवेनी कोर्ट में बृजभूषण सरन सिंह को लेकर सुनवाई जारी है। लेकिन बृजभूषण सरन सिंह ये दलीलें देते हैं कि पल्स चेक करना, नब्स चेक करना कोई गलत इरादों से टच करना तो नहीं है। यहाँ पर मैंने किसी ऐसी गलत भावना के साथ किसी पहलवान को टच तो नहीं किया। लेकिन दिल्ली पुलिस की दलीलें सामने आती हैं कि बृजभूषण सरन सिंह बिना पहलवानों की अनुमति के यहाँ पर उनकी पेट को टच करते हुए नजर आते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती गले लगाते हुए नजर आते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती छूते हुए नजर आते हैं। दिल्ली पुलिस खुद बाकायदा कहती है कि बृजभूषण सरन सिंह गुनहगार हैं, अब उनके खिलाफ दिल्ली राउस जवेनी कोर्ट को फैसला सुना देना चाहिए। लेकिन बृजभूषण सरन सिंह पर फैसला नहीं सुनाया जाता है और अगली तारीख दे दी जाती है। अब 19 अक्टूबर को बृजभूषण सरन सिंह को लेकर तारीख जो दी गई है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि अब 19 अक्टूबर को जो सुनवाई होगी उसमें बृजभूषण सरन सिंह पर बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन फैसले से पहले बृजभूषण सरन सिंह इस तरीके के बयानबाजी कर रहे, महिला पहलवान खिलाड़ियों पर आरोप लगा रहे, कांग्रेस पार्टी को एक मास्टरमाइंड के रूप में कहते हुए दिखाई दे रहे। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस मास्टरमाइंड है, महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन इसलिए कर रही है ताकि बृजभूषण सरन सिंह को इस कुश्ती संघ से हटा सके और यहाँ पर पहलवानी में से ही कोई यहाँ पर इस पद पर धारित हो पाए, ये आरोप लगाया गया। दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी का समर्थन करते हुए नजर नहीं आते हैं, योगी के बुलडोजर के खिलाफ नजर आते हैं, योगी के कानून के खिलाफ नजर आते हैं, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के खिलाफ बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो बृजभूषण सरन सिंह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं। पहलवानों के खिलाफ हैं तो अपनी पार्टी का समर्थन करें, यहाँ पर अपनी ही पार्टी का समर्थन नहीं करते और उसके बाद अब सुनवाई फिर से होगी। इसमें ये देखना होगा कि क्या बृजभूषण सरन सिंह अब क्या बुरी तरह से फंस चुके हैं, अब उनकी पार्टी भी उनको बचा नहीं पाएगी, क्या कुछ लगता है। 19 अक्टूबर की सुनवाई को लेकर बृजभूषण सरन सिंह को राहत या जेल, क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।